श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में उनका यश फैल गया। नगर के नर नारी आरती उतारने लगे और अपने सामर्थ्य से कहीं अधिक न्योछावर कर रहे थे। सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के गले में वरमाला डाल दी। ऐसे में सीता जी की सखियां क्या कहती हैं सीता जी से? सखी कहीं प्रभु पति गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सखियां कह रही हैं, सीता स्वामी श्री रामचंद्र जी के चरण छुओ। लेकिन क्या सीता जी चरण छूती हैं? नहीं, सीता जी अत्यंत भयभीत थी और उनके चरणों को नहीं छूती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ स्मरण आता है। क्या स्मरण आता है? उनको स्मरण आता है, गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसती पग पानी, मन बिहते रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जानी। उनको एक घटना याद आती है, जब गौतम ऋषि और उनकी स्त्री अहिल्या की क्या गति हुई। जब तपोमूर्ति अहिल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श पाते ही पत्थर की मूर्ति से स्त्री रूप में प्रकट हो गई थी। यह घटना सीता जी को याद आती है और वह भयभीत हो जाती हैं। और उसी समय रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी सीता जी की अलौकिक प्रीति को जानकर मन ही मन मुस्कुराने लगे थे।